एसी दा कंप्रेसर फटन दे नाल एक लड़की गंभीर रूप नाल जख्मी हुई है ते कंप्रेसर फटन दी सीसीटीवी भी सामने आई है जिस साफ देखा जा सकता है कि धमाका किन्ना जबरदस्त तरीके दे नाल होया जो कि सामने मकान दे विच उसकी ग्रिल नू तोड़दा होया मलबा सारा अंदर जाके गिरता है। तो दस दिए कि एक होटल दे विच ए एसी लग्या होया सी जिसकी की सर्विस की जा रही थी ते इस दे विच गैस खत्म हो गई थी पर क्या जा रहा है कि जिवें ही जो एसी दा मकैनिक है उसके वालों इस दे आउटडोर यूनिट च गैस फिल की जा रही थी तो उस समय अचानक ही कंप्रेसर दे विच ब्लास्ट होया। ब्लास्ट इन्ना तगड़ा सी कि सामने मकान दे अंदर जाके ग्रिल नू तोड़दा होया सारा मलबा जाके गिरता है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे दे विच किसी दे भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। उत्थे ही परिवार वालों का कहना है कि यह कोई पहला हादसा नहीं है, इस होटल दे विच कई बारी अग लग चुकी है, मीटर सड़ चुके ने, इस तो इलावा जो होटल की चिमनी है वह भी नुकसानी जा चुकी है, पर हाले भी होटल वालों के वालों कोई भी ढुकवा प्रबंध नहीं किया गया जिसके कारण हूँ एक बार फिर तो यह वड्डा हादसा वापरिया ते उन्हां दी धी दी वाल वाल जान बची है। हालांकि इस परिवार वालों का कहना है कि एक मिनट पहला ही इत्थे कुछ बच्चे खेड रहे सी पर अचानक ही जदों ओह इधर उधर होए तो चंद सैकिंडा बाद ही यह भयानक हादसा वापर गया। तो दस दिए कि भयानक खबर बहादुरगढ़ तो सामने आई है जिथे कि एक होटल दे विच जो स्प्लिट एसी हुंदा उसके आउटडोर यूनिट दे विच एक गैस भरी जा रही थी पर अचानक ही गैस भरते समय कंप्रेसर फट जाता है। कंप्रेसर का धमाका इन्ना जोरदार हुंदा है कि सामने बने एक घर के अंदर जाके जो है ये सारा ही मलबा गिरदा है। तो बहादुरगढ़ का यह मामला सामने दसिया जा रहा है। फिलहाल मौके के उत्ते भी पुलिस पहुंची है तो लगातार हुण इस मामले की जांच की जा रही है। उत्थे परिवारक मैंबर ने भी प्रशासन को गुहार लगाई है कि जल्द तो जल्द इसका कोई उचित प्रबंध किया जाए। तो मेरे घर के सामने रेड अटैक है होटल और अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कंप्रेसर ठीक करवाया, उसमें ब्लोअर फट करके वो सीधा मेरे घर के अंदर फिर फाड़ कर दिया है और सारा नुकसान हो गया। गीजर अपना टूट गया है पानी वाला और हमारी गुड़िया खड़ी थी, गुड़िया को भी चोट थोड़ी सी लगी है, मामूली पर लगी है, सारी ग्रिल नुकसान हो गई और वहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चे एक मिनट पहले इधर उधर हुए नहीं तो किसी भी बच्चे को कुछ भी हो सकता था। उसके अलावा कोई नुकसान आपके भाई ग्रिल को नुकसान हुआ है और गुड़िया को लगी। इससे पहले भी कोई घटना ऐसी हुई है आपके साथ? कई बार हुई है भैया, इनकी तारे भी आग लग चुकी है, मीटर भी इनका जल चुका है और चिमनी में भी इनकी दिक्कत आ चुकी है पर इनको कोई फर्क नहीं है। होटल मालिक की तरफ से क्या कुछ आपके से साथ बातचीत हुई है या कोई आश्वासन दिया गया है? अभी कोई बात नहीं हुई, अभी तक कोई बात नहीं हुई। एसी दा कंप्रेसर फटन दे नाल एक लड़की गंभीर रूप नाल जख्मी हुई है ते कंप्रेसर फटन दी सीसीटीवी भी सामने आई है जिस साफ देखा जा सकता है कि धमाका किन्ना जबरदस्त तरीके दे नाल होया जो कि सामने मकान दे विच उसकी ग्रिल नू तोड़दा होया मलबा सारा अंदर जाके गिरता है। तो दस दिए कि एक होटल दे विच ए एसी लग्या होया सी जिसकी की सर्विस की जा रही थी ते इस दे विच गैस खत्म हो गई थी पर क्या जा रहा है कि जिवें ही जो एसी दा मकैनिक है उसके वालों इस दे आउटडोर यूनिट च गैस फिल की जा रही थी तो उस समय अचानक ही कंप्रेसर दे विच ब्लास्ट होया। ब्लास्ट इन्ना तगड़ा सी कि सामने मकान दे अंदर जाके ग्रिल नू तोड़दा होया सारा मलबा जाके गिरता है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे दे विच किसी दे भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। उत्थे ही परिवार वालों का कहना है कि यह कोई पहला हादसा नहीं है, इस होटल दे विच कई बारी अग लग चुकी है, मीटर सड़ चुके ने, इस तो इलावा जो होटल की चिमनी है वह भी नुकसानी जा चुकी है, पर हाले भी होटल वालों के वालों कोई भी ढुकवा प्रबंध नहीं किया गया जिसके कारण हूँ एक बार फिर तो यह वड्डा हादसा वापरिया ते उन्हां दी धी दी वाल वाल जान बची है। हालांकि इस परिवार वालों का कहना है कि एक मिनट पहला ही इत्थे कुछ बच्चे खेड रहे सी पर अचानक ही जदों ओह इधर उधर होए तो चंद सैकिंडा बाद ही यह भयानक हादसा वापर गया। तो दस दिए कि भयानक खबर बहादुरगढ़ तो सामने आई है जिथे कि एक होटल दे विच जो स्प्लिट एसी हुंदा उसके आउटडोर यूनिट दे विच एक गैस भरी जा रही थी पर अचानक ही गैस भरते समय कंप्रेसर फट जाता है। कंप्रेसर का धमाका इन्ना जोरदार हुंदा है कि सामने बने एक घर के अंदर जाके जो है ये सारा ही मलबा गिरदा है। तो बहादुरगढ़ का यह मामला सामने दसिया जा रहा है। फिलहाल मौके के उत्ते भी पुलिस पहुंची है तो लगातार हुण इस मामले की जांच की जा रही है। उत्थे परिवारक मैंबर ने भी प्रशासन को गुहार लगाई है कि जल्द तो जल्द इसका कोई उचित प्रबंध किया जाए।
बताता हूँ, मेरे घर के सामने रेड अटैक है होटल, और अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कंप्रेसर ठीक करवाया, उसमें ब्लोअर फट करके वो सीधा मेरे घर के अंदर रीढ़ फाड़ के दिया है और सारा नुकसान हो गया। गीजर अपना टूट गया है पानी वाला, और हमारी गुड़िया खड़ी थी, गुड़िया को भी चोट थोड़ी सी लगी है, मामूली पर लगी है, सारी गरीब नुकसान हो गई। और वहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, बच्चे एक मिनट पहले इधर उधर हुए, नहीं तो किसी भी बच्चे को कुछ भी हो सकता था। उसके अलावा कोई नुकसान आपके? भाई ग्रिल को नुकसान हुआ है और गुड़िया को लगी। इससे पहले भी कोई घटना ऐसी हुई आपके साथ? कई बार हुई है भैया, इसकी तारें भी आग लग चुकी है, मीटर भी इनका जल चुका है और चिमनी में भी इनकी दिक्कत आ चुकी है, पर इनको कोई फर्क नहीं है। होटल मालिक की तरफ से क्या कुछ आपके साथ बातचीत हुई है या कोई आश्वासन दिया गया है? अभी कोई बात नहीं हुई, अभी तक कोई बात नहीं हुई।